सिद्धार्थ शंकर रे एक प्रख्यात भारतीय राजनीतिज्ञ, बैरिस्टर और राजनयिक थे जो कई दशकों से भारतीय राजनीति और कानून में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1972 से 1977 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। उनका कार्यकाल और राजनीतिक करियर उपलब्धियों और विवादों दोनों से चिह्नित था। विशेष रूप से 1975 में भारत में आपातकाल लागू करने के साथ उनका जुड़ाव। यहां उनके जीवन, करियर और प्रमुख तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। तथ्य नंबर एक, सिद्धार्थ शंकर रे का जन्म 20 अक्टूबर 1920 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख बंगाली ब्रह्मो परिवार में हुआ था। तथ्य नंबर दो, सिद्धार्थ शंकर रे ने कानून की पढ़ाई की और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए बैरिस्टर बन गए। उन्होंने लंदन के इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ में दाखिला लेकर इंग्लैंड में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। करियर के मुख्य अंश। तथ्य नंबर तीन, राजनीति में प्रवेश करने से पहले सिद्धार्थ शंकर रे ने खुद को एक बैरिस्टर के रूप में स्थापित किया और संवैधानिक कानून में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। राजनीतिक कैरियर। तथ्य नंबर चार, 1967 में वह लोकसभा, भारत की संसद का निचला सदन, के लिए चुने गए। 1972 से 1977 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल नक्सली हिंसा से निपटने के प्रयासों से चिह्नित था। हालांकि इस अवधि के दौरान नागरिक स्वतंत्रता से निपटने के लिए उनके प्रशासन की आलोचना भी की गई। रे ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल 1975 से 1977 से पहले और उसके दौरान राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके वास्तुकारों में से एक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की। आपातकाल के बाद सिद्धार्थ शंकर रे का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया, हालांकि वे कानूनी और राजनयिक हलकों में सक्रिय रहे। राजनयिक कैरियर। तथ्य नंबर पांच, सिद्धार्थ शंकर रे ने 1992 से 1996 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य किया, जिससे भारत अमेरिका संबंधों को बढ़ावा मिला। व्यक्तिगत जीवन और मृत्यु। तथ्य नंबर छह, सिद्धार्थ शंकर रे की शादी माया रे से हुई थी, जो राजनीति से भी जुड़ी थी। वे सार्वजनिक जीवन और कानून में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। 6 नवंबर 2010 को उनका निधन हो गया और वे अपने पीछे एक जटिल विरासत छोड़ गए, जिसमें भारतीय कानून, राजनीति और कूटनीति में महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। विरासत और विवाद। तथ्य नंबर सात, सिद्धार्थ शंकर रे को उनकी वाकपटुता, कानूनी कौशल और कूटनीतिक कौशल के लिए याद किया जाता है। उन्होंने भारत में कई प्रमुख राजनीतिक और कानूनी सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम किया। तथ्य नंबर आठ, 1975 में आपातकाल लागू करने में उनकी भूमिका उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उस अवधि के दौरान मौलिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता के दमन के लिए आलोचना हुई। अपने पूरे जीवन में सिद्धार्थ शंकर रे भारतीय राजनीति, कानून और कूटनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव वाले व्यक्ति थे। उनका करियर 20वीं सदी में भारत के राजनीतिक परिदृश्य की जटिलताओं को दर्शाता है, जो उल्लेखनीय उपलब्धियों और विवादास्पद निर्णयों दोनों द्वारा चिह्नित है। ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कर दीजिएगा।